हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राइजिंग। तो गाइस अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस ये हमारी एडिटिंग टॉम एंड जेरी वाली कॉन्सेप्ट वाली एडिटिंग होने वाली है, जो कि गाइस देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव एंड ऑसम है। एंड गाइस ये वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि गाइस अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज हुआ है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा आईडी, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस अगर आप अपने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, यार वीडियो को लाइक करना तो यार बिल्कुल ही ना बोलना। तो गाइस चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपने इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर पिक्सल आर्ट में ओपन कर लेना है, दिन क्या करना है सिंपली इसको रिसाइज कर लेना है। तो गाइस हम यहाँ पर इसको रिसाइज कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, और रिसाइज करने के बाद सिंपली हम चले जाएंगे अपने ड्रॉ टूल में। तो यहाँ आते हैं अपने ड्रॉ टूल में, उसको सिंपली ले जाएंगे हम ऐड फोटो पे। गाइस ऐड फोटो पे जाके यहाँ से गाइस हम अपने मॉडल को कर लेंगे ऐड, और यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं और सिंपली एक साइड में इसको टैप कर लेना है, और फिर ऐसे उस ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको अच्छे से एडजस्ट करना है अपने बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पर हम अपने मॉडल को कर लेते हैं एडजस्ट, अभी आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमने अपने मॉडल को परफेक्टली एडजस्ट कर लिया है, अब हमें शैडो की जरूरत है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्प्टी लेयर बनाते हैं और इसको अपने मॉडल के नीचे रखते हैं, और यहाँ पर गाइस हम अपना शैडो बनाएंगे अपने मॉडल का। तो यहाँ पर पहले तो जो हमारे पार्टिकल्स छूट गए उनको हम इरेज कर लेते हैं, फिर शैडो बनाते हैं हम। और गाइस शैडो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एकदम परफेक्टली कैसे बनाते हैं, तो गाइस आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा फास्टली कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको ये वाला इतना शैडो बनाने के बाद से आपने क्या करना है, सिंपली लेयर पर जाना है और यहाँ पर गाइस एक एम्प्टी लेयर बनानी है और सिंपली ऐड फोटो पर चले जाना है, और यहाँ पर गाइज मिलेगी एक और शैडो वाली पीएनजी, गाइज आपको उसको ऐड कर लेना है, और इसको ऐड करने के बाद टैप कर लेना है, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके अपने शूज के नीचे मतलब शैडो के पास ही लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं और फिर इसको डन करेंगे और उसको अपने मॉडल के नीचे रखेंगे, ठीक, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे अच्छे से हम इसको। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना, ये शैडो एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ड्रॉ टूल वाला शैडो नहीं बनाते हो तो ये आप लगा सकते हो। और फिर गाइस उसकी हम एक कॉपी बनाते हैं और गाइस हम सेकेंड शूज में अपने उसी को लगा देते हैं, तो हम यहाँ पर इसको भी लगा लेते हैं और ये हमारा हो गया। तो सिंपली यहाँ से डन कर देंगे, और गाइस यहाँ से डन करने के बाद से अब देखिए हमारा शैडो का काम तो लगभग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम एक एम्प्टी लेयर बनाते हैं और यहाँ पर हम चले जाते हैं ऐड फोटो पे, और यहाँ पर गाइस मिलेगी आपको एक टेक्स्ट पीएनजी, ठीक है, टॉम एंड जेरी वाली। तो आपने उसको ऐड कर लेना है, और यहाँ पर गाइस हम इसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ ऊपर के साइड में हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये कुछ साइज़ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे अभी, और यहाँ पर हम इसको टैप कर देंगे उसके बाद से। और गाइस फिर उसके बाद से हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने जो हमारा सर है उसके पीछे की तरफ हम इसको ले जाएंगे, और यहाँ पर इसको अपने टेक्स्ट को हम सेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर गाइस हमने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम डन कर देते हैं, और डन करने के बाद से गाइस जब हमारे ड्रॉ टूल का काम तो हो चुका है, तो यहाँ से गाइस अपनी फ़ोटो को डन करेंगे और इधर से हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। और यहाँ से डिस्कार्ड करने के बाद से हम क्या करते हैं, हम सिंपली ऐड फोटो पर जाते हैं, और यहाँ पर गाइस मिलेगी हमारे टॉम की पीएनजी, तो यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है आपने। और इसको गाइस ऐड करने के बाद से आपने सिंपली इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको सेट कर लेते हैं, तो गाइस सेट करने के बाद से आपने क्या करना है, इरेजर पर चले जाना है इसको लेके, जो हमारी टॉम की पीएनजी है। तो यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं और यहाँ पर अपने हैंड की तरफ थोड़ा सा इसको इरेज कर देना है, क्योंकि हमारे गाइस यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट छूट गया है। तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके डन करते हैं, और डन करने के बाद से गाइस आपने यहीं से ऐड फोटो पर चले जाना है, और वही शैडो वाली जो हमारी पीएनजी थी उसको ऐड कर लेना है, और इसके पैरों के नीचे इसको हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर लेयर पर जाकर इसको मूव टू डाउन कर देंगे, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि गाइस हम दूसरे पैर पर भी लगा सकें। तो यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ लगा देते हैं इसको भी डुप्लीकेट करके, और यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और फिर गाइस इसको भी हम मूव टू डाउन कर देंगे। तो गाइस देखिए हमारा जो टॉम का शैडो है वो एकदम परफेक्टली रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बस,
तो देखिए यहाँ पर हमारा टॉम ऐड हो चुका है, तो अब हमें जेरी को ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं ऐड फोटो पे, और यहाँ पर गाइस हम उसकी भी पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम अपने कंधे के ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ स्टेप्स इसको लगा देते हैं, और इसको लगाने के बाद से हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड फोटो पर जाते हैं, और सेम शैडो वाली पीएनजी आपने ऐड कर लेनी है, और इसको ऐड करने के बाद से सिंपली इसके नीचे लगा देना है आपने। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं, पर गाइस शैडो को हम मूव टू डाउन कर देते हैं, जो कि हमारा जेरी है उसके नीचे हमारा शैडो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शैडो को एडजस्ट करते हैं, और फिर इसके ओपेसिटी गाइस हम थोड़ी सी कम कर देंगे, और फिर गाइस अपनी फ़ोटो को हम अपनी ऐड फोटो से डन कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, और उसके बाद से आपने सिंपली इसको एफएक्स में लेकर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा एफएक्स में ही जाके एक फ़िल्टर मिलेगा सार्पेन नाम का, वहाँ पर आपने चले जाना है और उसको अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके फेड को हमने रख लेना है अबाउट 40%, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं, और उसके बाद से हम क्या करते हैं अपने ड्रॉ टूल में जाते हैं, उसके बाद से अपने गाइस फोटो कर लेंगे सेव। गाइस यहाँ पर आ गए हैं अपने लाइट रूम में, और गाइस यहाँ पर लाइट रूम में आने के बाद से हम क्या करते हैं सिंपली इसको लाइट्स पे ले जाते हैं। यहाँ पर गाइस हम इसमें कंट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे अबाउट 15%, और फिर हाईलाइट्स को आपने माइनस कर देना है 60, और फिर गाइस शैडो आपने कर लेना है 30%, और वहाँ पर नीचे ब्लैक्स को रख लेना है अबाउट 15%, और उसके बाद से सिंपली कलर वाले टूल पे हमें चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद से हमें क्या करना है टेम्प जो हमारा है, सॉरी टेम्प को नहीं पर टिंट को हमें इंक्रीज़ करना है यहाँ पर 10%, और उसके बाद से यहाँ पर वाइब्रेंस को हमें माइनस कर देना है माइनस के अबाउट 20% आपने रख लेना है, और फिर यहाँ पर मिक्स पे जाना है, और सॉरी यहाँ पर पहले तो हम टेम्प को इंक्रीज़ कर देते हैं अबाउट 4%, और उसके बाद सिंपली हम मिक्स वाले टूल पे आते हैं, और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कलर है उसकी लुमिनस को कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लुमिनस को हम माइनस के 40 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 40 रखने के बाद से हम फिर से अब सेकेंड वाले कलर पर जाते हैं, ऑरेंज कलर जो कि हमारा है। तो यहाँ पर आप इसकी लुमिनस अपने फेस के अकॉर्डिंग रख लेना, तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, और सेचुरेशन थोड़ा सा इसमें माइनस करेंगे। उसके बाद से सिंपली हम ब्लू कलर में आते हैं, और इसके यू को हम गाइस थोड़ा सा माइनस करेंगे, और इधर से डन कर लेंगे अपनी फोटो को। और उसके बाद से सिंपली नेक्स्ट वाले टूल पर जाते हैं, यहाँ पर इसमें टेक्सचर को हम इंक्रीज कर देते हैं, इसको रख लेते हैं 20%, और क्लियरिटी अबाउट 10%, फिर गाइस डीएस को भी 10 रख लेना है, और यहाँ पर गाइस जो हमारा विग्नेट है इसको हम रख लेना है माइनस के 30%, ठीक है। और उसके बाद से चले जाना है हमें नेक्स्ट वाले टूल पर, इसमें गाइस आके आपने शार्पनिंग को इंक्रीज कर देना है अबाउट 23, और फिर गाइस नॉइस रिडक्शन रख लेना है 17%। तो गाइस देखिए हमारी फोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, तो गाइस देखिए हमारी फोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर अभी आप देख सकते हो। तो गाइस आप कमेंट कर जरूर देना वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।